हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और ये ट्यूसडे व्लॉग का ही सेकंड पार्ट है, जहाँ से मैंने व्लॉग को एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट भी किया है। तो यहाँ हम मूवी थिएटर आ गए हैं और ये इस थिएटर का नाम है मिराज सिनेमा। तो ये एक तरफ तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, और एक तरफ तो यहाँ बैंक्वेट है शादी वगैरह के लिए, पार्टीज़ के लिए, और एक तरफ यहाँ पर ये थिएटर है। तो बस हमने अभी थिएटर में एंटर ही किया है और अभी 4 बजने में तकरीबन 10 मिनट बाकी है, तो 4 बजे की मूवी है। तो अभी जो अंदर हैं तो वो भी फिर बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी क्लीनिंग होती है एंड देन हम लोग फिर अंदर थिएटर के एंटर करेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है हम लोगों के पास, तो तब तक जाके हम थोड़ा वॉशरूम गए थे। और ये यहाँ पर गेम रूम है बच्चों के लिए, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था दूर से। और यहाँ पे एकदम छोटे छोटे सारे कलरफुल बलून से पूरा सजा के रखा हुआ है, तो बहुत सुंदर है। तो बस यहीं आके मैं आंचल को दिखा रही थी कि अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ से निकलने के बाद में फिर थोड़ा टाइम भी हो गया था एंटर करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले से ही पॉपकॉर्न ले रहे, क्योंकि मैं और आंचल ही आए हैं और मूवी में आंचल के साथ ही जाती हूँ क्योंकि वो ही मेरी कंपेनियन है। तो बस यहाँ पर आ गए थे और हम लोगों ने लिया यहाँ पे चीज़ पॉपकॉर्न, बड़ा वाला जो बास्केट होता है वो, और कोक ऑफ कोर्स, और उसने कुछ, आंचल ने कुछ शायद कोल्ड कॉफ़ी जो सामने रखी है, तो ये हमने पूरा ये ले लिया था पैकेज में। तो बस इसको लेके और अब हम एंटर कर रहे हैं थिएटर के अंदर, और बस उसके बाद में वो तो 15-20 मिनट जो एड्स वगैरह चलते हैं, और ये बस एंजॉय किया आज का दिन बहुत ज़्यादा। और दृश्यम 2 मूवी हम देखने के लिए आए थे और इतनी अच्छी मूवी है, इतना अच्छा सस्पेंस है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो एकदम एंड ऑफ द मूवी आपको आएगा जब आप देखने जाएंगे। तो मस्ट वॉच है गाइस, ज़रूर ज़रूर जाइएगा, मीन्स एक बार देख के दोबारा देखने का मन करेगा, इतना अच्छा है। तो बहुत अच्छी मूवी लगी हम लोगों को। और फिर यहाँ पे बस मूवी देख के निकल गए हैं, और यहाँ थोड़ा भूल भुलैया टाइप का लग रहा था कि नीचे उतरे तो फिर ऊपर चढ़े, इस तरीके से हम लोगों का हो रहा था लिफ्ट से। और ये बैंक्वेट है, मैंने बताया आपको कि यहाँ बैंक्वेट भी है, तो ये किसी का मैरिज हॉल ही सजा हुआ था, बड़ी सुंदर सजावट की थी, तो एक क्लिप मैंने यहाँ की भी ले ली है। तो बस ये हम लिफ्ट के लिए खड़े हुए हैं, और हॉल मतलब यहाँ ज़्यादा आदमी दिख नहीं रहे थे जहाँ हम पॉपकॉर्न वगैरह ले रहे थे, और हॉल पूरा पूरा फुल था, एकदम पूरा मतलब एकदम खाली नहीं था हॉल, क्योंकि मूवी है भी बहुत अच्छी। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए हैं और फिर हम जा रहे हैं सिटी सेंटर 2, क्योंकि वहाँ एक तो हम जूडियो जाने वाले थे, एक्चुअल में हम लोगों को पूरी तरीके से पता नहीं था वहाँ का एड्रेस, और काफ़ी अच्छा है वहाँ का। मुझे थोड़ा बहुत किचन का आइटम भी लेना था, जैसे कि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में आता है कि आपकी कढ़ाई मैडम ख़राब हो गई है, तो वो मैंने ज़रा सेल वाला जो चल रहा था तो वहाँ से मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगा लिया था, तो वो वाकई में ख़राब हो गई है। और ये यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सिटी सेंटर, और ये यहाँ सामान, ये जो सामान यहाँ मिलते हैं ना, ये सेम सामान और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी वैरायटी बड़े बाज़ार में मिलती है। तो जो इयररिंग्स यहाँ पर ये लोग 500-550 बोलते हैं, सेम वही इयररिंग्स बड़े बाज़ार में आपको जस्ट फॉर रुपीज़ 80-100 रुपीज़ के अंदर में मिल जाती है। तो वही है, मॉल में तो छोटी से छोटी शॉप में भी आपको मॉल का प्राइस ही मिलेगा। तो बस यहाँ हमने एंटर किया है, और मुझे स्पेशली जाना था पैंटालून, क्योंकि पैंटालून का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ थोड़ा सा हम बस शॉप वगैरह घूम ही रहे थे, क्योंकि सिटी सेंटर से जब बाहर निकलते हैं तो बस वहीं पे पैंटालून पड़ता है, तो हमने बोला कि बस जाएंगे तो तभी पैंटालून होते हुए जाएंगे, और लास्ट में मैं पैंटालून गई ही नहीं। तो बस यहाँ ऊपर चले गए हैं और स्टोर 99 है, तो वहाँ से कुछ ये सामान मैंने ख़रीदा है किचन के लिए, क्योंकि मेरी जो टिफ़िन बॉक्स वगैरह जो एयरटाइट कंटेनर, वो सारे ही एस्ट्रो ने ही सिर्फ काट दिए हैं, वो काफ़ी समय से थे और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, तो वो कट कर दिए, मतलब अपने दांत से पूरे काट दिए हैं। तो वो भी मैंने सेट वगैरह काफ़ी कुछ ख़रीदा है, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो इसमें मैंने अभी शेयर नहीं किया है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टोर है, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान भी मिलता है घर में सजाने के लिए, तो इनकी प्राइस भी काफ़ी सही थी, मीन्स काफ़ी चीज़ों में डिस्काउंट भी था,
और जो मैंने कंटेनर्स वगैरह लिया उसमें भी डिस्काउंट था, ये जस्ट ₹279 इस तरीके से था। और यहाँ से भी कुछ मैंने सामान लिया है, और यहाँ टॉवल वगैरह देख रही थी, ठीक थी रेंज, बट मेरा ध्यान नहीं गया कि किचन में जो हैंड टॉवल रहती है वो मेरी ख़राब हो गई है, तो ये फिर मुझे मिली, तो एक मैंने ये वाली भी ले ली है। तो 99 शायद ये 69 कितने रुपीज़ की है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं जब शो करूँगी तो आपको चेक करके बताऊँगी। तो यहाँ बस घूम के, और आजकल तो वो जो डब्बे वगैरह निकल गए जिसमें शुगर, टी एंड ब्लैक पेपर सब कुछ मतलब लिखा हुआ रहता है, तो एक अंकल आंटी खड़े होकर वहीं देख रहे थे जहाँ मैं भी देख रही थी, तो वहीं मैं बोल रही थी कि सब में सारा कुछ मतलब स्पाइसेस का नाम लिखा हुआ है, तो अंकल वही मजाक में बोल रहे थे कि इसमें शुगर लिखा हुआ है, अगर इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो इसी तरीके से बड़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई। बस उसके बाद यही वो सेक्शन है जहाँ इनसे यही अंकल आंटी इनसे बात हो रही थी। तो बस इसके बाद में और थोड़ा कुछ सामान लेके फिर बिल वगैरह करा के हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि रात भी हो गई थी और घर में पहुँची हूँ तकरीबन 9:15 इस तरीके से बज रहे थे, तो लेट तो हो ही गया था और निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा घर से कम पूरा एक साल के बाद कोई मूवी में गई हूँ। बच्चे अक्सर जाते रहते, बच्चे बोलते भी हैं कि चलो साथ में, तो मैं ही मना कर देती हूँ क्योंकि घर पे थोड़ा काम वगैरह भी रहता है और फिर इतना मन भी नहीं करता और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो बस कांतारा मूवी देखने का बहुत मन था, तो मैंने बोला था आंचल को, उस वक्त इसकी फिंगर काट ली थी उसने, एस्ट्रो ने, तो फिर मैंने मना कर दिया, वो ऐसे टल गया। तो फिर आज फाइनली हम चले ही गए, एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्यूसडे है मगर इतना ज़्यादा रश क्यों है पता नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अच्छी मतलब हवा चल रही थी, थोड़ा ठंडा मौसम तो हो ही गया है, तो फाइनली थोड़ा आउटिंग हुई आज, तो बड़ा अच्छा लगा और माइंड भी फ्रेश हो गया। तो बस ये हम यहाँ से निकल जा रहे हैं और यहाँ रिक्शे वाले हैं, ऑटो में सवारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा दूर मतलब है भी नहीं, बस मोड़ पे जाके हमारे घर के लिए भी ऑटो मिल ही जाता है। खाना तो दोनों टाइम का बना ही लिया था, बट फिर भी कुछ तो ले ही लिया। अभी हम लोग वहाँ से वापस आए हैं और यहाँ आए हैं रोल लेने के लिए, तो और मूवी देखी है हम लोगों ने, मतलब मज़ा आ गया मूवी देखकर, और बस रोल के लिए बैठे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, कम से कम ये आधा घंटा तो लग जाएगा रोल के लिए, और रोल लेके सीधे जाएंगे घर जाएंगे सीधे। वहाँ एस्ट्रो भी परेशान हो रहा है, चिंकी है, तो बस और रात भी हो गई है, तो बस अब निकलेंगे, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि रोल बन के आएगा। तो यहाँ बस ऑटो मिल गया था, यहाँ बड़ी आसानी से ऑटो मिल जाता है, जहाँ से हमने रोल ली तो पास में ही ऑटो स्टैंड है और सटल है, तो जब तक वो लोग 5-6 लोग पूरे नहीं आते ऑटो में तब तक ऑटो चलता नहीं है। तो फाइनली फिर ऑटो बस चलने लगा और पहुँच गई मैं घर, और घर जाके फिर उसके बाद में चिंकी और एस्ट्रो थे घर पर, तो बस यहाँ पर आके और कपड़े वगैरह तय करके और यहाँ लगा दिए हैं चिंकी के कपड़े, अपने कपड़े लगा दिए और अपनी नाइटी भी निकाल ली है अलमारी से। तो काफ़ी समय हो गया आज बस सुबह से, और रेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है जब हम मूवी गए तो, और दोनों टाइम का खाना भी बना के गई थी, बट वही है कि बाहर जाते हैं तो घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले ही आती हूँ मैं, क्योंकि मैं रोज़ तो जाती नहीं हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े तय बना के, और थोड़ा बेड वगैरह भी मैसी पड़ा हुआ था दोनों ही रूम का, तो बस वो भी झाड़ वाड़ के और उसके बाद चेंज कर लिया मैंने। तो ये जो कल वाला जो व्लॉग और आज वाला जो व्लॉग, तो ये दोनों ही ट्यूसडे के ही व्लॉग्स हैं। मैं इसलिए इसको क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये बोलते हैं कि मैम आपने मीन्स वीडियो में बोला है कि अभी रात के 8 बज रहे हैं और आपका व्लॉग आता है 6:15 से 6:30 के बीच में। तो डियर, वो ऐसा होता है कि प्रीवियस डे और करंट डे का थोड़ा कभी मिक्स भी होता है, तो वो मैं अक्सर मेंशन करती हूँ ब्लॉग में, अगर आप पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये तो दोनों ही ट्यूसडे का और ये जो वेडनेसडे को आपको व्लॉग मिला है ये दोनों ही व्लॉग ट्यूसडे के ही हैं। तो अब तो हो गई है रात और सुबह से ज़रा सा भी रेस्ट भी नहीं किया, तो अब मैं भी रेस्ट करूँगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।